एक दिन उसको लेकर रहेंगे। रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने नसीहत दी, साथ ही सत्ता के अहंकार का भी आरोप लगाया। वो एक सीनियर एमएलए हो गए हैं, उन्हें वो चीज बोलना चाहिए जो लोगों के भी समझ में आ जाए और जिसे वो खुद भी समझते हो। कई इतिहास और भूगोल जो भारत का बदलने का संकल्प लेकर आए थे, उनका आज नामो निशान नहीं है। सत्ता के गलियारे में घूमते हुए वो अहंकारी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। भले ही रामेश्वर शर्मा के बयान का कांग्रेस आलोचना कर रही हो, लेकिन विधायक ने बीजेपी की डिलीवर करने की बात कही, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे वो धारा 370 हो, तीन तलाक हो, महिला आरक्षण बिल या ऐसे ही कई फैसले जिसे बीजेपी ने पूरा किया है। बीजेपी मिशन 2024 के लिए जुट गई है। एमपी में अलग अलग योजनाओं के हितग्राहियों से संपर्क अभियान चलाने जा रही है और अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अलग अलग योजनाओं के हितग्राहियों तक पहुंचेंगे। हितग्राही सम्मेलन के जरिए सीधा संवाद किया जाएगा, साथ ही योजना की मॉनिटरिंग भी होगी। निश्चित तौर पर जो हमने प्रयास किया है, तो ऐसे जो हितग्राही है जिन्होंने सरकार की योजनाओं के लाभ लेकर अपने आप को समाज की मुख्यधारा में लाने का काम किया है, उनके हम सम्मेलन भी कर रहे हैं, उनसे हम संपर्क भी कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब हम उनके बीच में जाते हैं तो सरकार की योजनाएं जो धरातल पर है उसकी जानकारी भी हमें और अच्छे से मिलती है। बीजेपी का यह भी दावा है कि गरीबों के जीवन में बदलाव आया है, लेकिन कांग्रेस इससे इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस ने बीजेपी पर वोटर्स को ठगने के आरोप लगाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसके कितने हितग्राही हैं? क्या 20 करोड़ हितग्राही इस देश में हैं? क्या जो 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का वादा किया था, उनके हितग्राहियों तक पहुंचेगी भाजपा? या जो बहुत हुई महंगाई की मार कहकर जनता को बरगलाया था, तो जो महंगाई से जिन्हें राहत दी, ऐसे कुछ हितग्राही हैं क्या भाजपा के पास? महिला अपराधों पर बड़ी बड़ी बातें की गई थी, मध्य प्रदेश में महिला अपराध जो हैं वो देश भर में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। बीजेपी का संपर्क अभियान वोटर्स को साधने से जोड़ा जा रहा है और कई चुनावों में ये पार्टी की कामयाबी में बड़ा रोल निभाता रहा है। कांग्रेस भले आलोचना कर रही हो, लेकिन ये बीजेपी की रणनीति है और कारगर भी रही है। सतना जिले के चित्रकूट में राम वनगमन पथ न्यास की पहली बैठक हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राम वनगमन पथ का रोड मैप तैयार किया गया। बैठक में चित्रकूट से अमरकंटक तक राम वनगमन पथ क्षेत्र के चिन्हित धार्मिक स्थलों को विकसित करने का फैसला लिया गया। बैठक में न्यास के उपाध्यक्ष पर्यटन मंत्री भी शामिल हुए। इस बैठक में 5 संभागों के 8 जिलों के 23 स्थलों को विकसित करने का प्लान तैयार किया गया। न्यास की पहली बैठक में राम वनगमन पथ क्षेत्र के 84 कोसी परिक्रमा के विकास की उम्मीद जताई जा रही है। सीएम ने भगवान कामतानाथ की पूजा अर्चना भी की। आज न्यास की हमने पहली बैठक की और निर्णय किया कि कामतानाथ की परिक्रमा पथ हो या पूरे चित्रकूट के अंदर के विविध प्रकार के अलग अलग काम, उन सारे कामों को तुरंत प्रारंभ कर रहे हैं और इस न्यास में बाकी विद्वानों को जोड़ते हुए समूचे परिक्रमा पथ पे क्या क्या काम करना चाहिए उस पूरे का निर्णय किया है। और केवल एक बार नहीं, ये पूरे साल विविध प्रकार की यहाँ की जो जिला पर्यटन परिषद है वो अलग अलग भी आयोजन करे, विभिन्न शासन के विभाग जैसे स्थानीय शासन विभाग, पर्यटन विभाग, रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या पीडब्ल्यूडी विभाग, अलग अलग प्रकार के सभी विभागों को अलग अलग कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया और मुझे पूरा भरोसा है बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आएगा। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के परिवार को अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला है। खास बात यह है कि हेमंत कटारे को यह निमंत्रण नहीं मिला है। कटारे की मां मीरा कटारे, बेटे योगेश और हेमंत कटारे की पत्नी निशा शर्मा को आमंत्रित किया गया। दिवंगत सत्यदेव कटारे चंबल भिंड इलाके के दिग्गज नेता रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कटारे परिवार अयोध्या के आयोजन में शामिल हो सकता है। हालांकि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के न्योते को ठुकरा दिया है।
तो कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया, जिसके बाद ग्वालियर में जिला उपाध्यक्ष आनंद शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शर्मा ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के न्योता ठुकराने की वजह अपने इस्तीफे को बताया है। वहीं कांग्रेस का दामन छोड़ते ही आनंद शर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुखर्जी भवन में बीजेपी के पदाधिकारियों ने शर्मा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। न्यूज 18 से खास बात करते शर्मा ने कहा, जो राम का नहीं वो देश का नहीं। पहले तो उनका स्वागत है, उनको बहुत बहुत बधाई। आनंद जी हम लोगों से पहले से काफ़ी उनसे दोस्ती हम लोगों की रही है, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और मेरा सभी कांग्रेसियों से निवेदन है कि कांग्रेस डूबता जहाज है और इससे अच्छा मौका और कांग्रेस छोड़ने का क्या मिलेगा। एक मुद्दा भी है, जिस तरह कांग्रेस ने इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह का एक तरह से बहिष्कार किया है, मेरा मानना है कि उनके ताबूत में आखिरी खील साबित होगी। हम स्वागत करेंगे जो भी कांग्रेसी विचारधारा के आधार पर हम लोगों के बीच